क्या दोस्तों आपने भी पहले कभी इसी तरीके से सरसों के तेल में मिर्ची को फ्राई किया है? नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, क्योंकि मिर्ची की एक बहुत ही खास और यूनिक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो शायद आज से पहले आपने कभी ट्राई ही नहीं की होगी। मिर्चियां दोस्तों काफ़ी तरीके की आती हैं, छोटी मिर्ची आती है, बड़ी मिर्ची आती है और मोटी मिर्ची भी आती है। जो मीडियम साइज़ की मिर्चियाँ होती है उसका मैं आज इस्तेमाल करने वाला हूँ, और उन मिर्चियों को जो है वो आप देख सकते हैं मैं तेल में फ्राई कर रहा हूँ। तेल में फ्राई करने के बाद हमें क्या करना होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे ये वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। हमारी पिछली वीडियो का थैंक जाता है मीनू जी को दिल्ली से, शिवरूप जी को कनौज से, विजय जी को अमृतसर से और आशुतोष जी को हैदराबाद से। तो आप देख सकते हैं इसके लिए हमने कुछ मिर्चियाँ ली हैं, मिर्चियों के अंदर हमने कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद उन्हें हमें अच्छे से तेल में फ्राई कर लेना होगा। सरसों के तेल में हम इसको फ्राई कर रहे हैं, और जैसे ही हमारी मिर्चियां जो है वो अच्छे से तेल में फ्राई हो जाएगी, हमें उसे एक अलग प्लेट में हमें इसको निकाल लेना होगा। तो आप देख सकते हैं मिर्चियां अच्छे से तेल में फ्राई हो चुकी है, अलग प्लेट में मैं इसको निकाल रहा हूँ। आप भी कुछ इसी तरीके से इसको अलग निकाल लीजिएगा। फिर उसी तेल में हमें ऐड कर देने होंगे लगभग 2 से 3 छीले हुए साबुत प्याज, और जैसे ही प्याज हल्के थोड़े से इसके अंदर फ्राई हो जाए, प्याज को भी हमें अच्छे से फ्राई करना होगा। जैसे ही हमारे थोड़े अच्छे से प्याज फ्राई हो जाए, उसके बाद हमें टमाटर पे कुछ इस तरीके से कट लगा के जो है वो इसके अंदर डाल देने होंगे। टमाटर जब भी आप इस तेल में फ्राई करें तो इस तरीके से कट दुरुस्त तो ज़रूर लगा लें, ताकि टमाटर जो सॉफ्ट होता है वो फूटे नहीं। इससे दोस्तों आपको जो है वो इंजरी भी हो सकती है, क्योंकि सरसों का तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ऐसा करने से हमारा टमाटर एकदम बिल्कुल सेफ रहेगा, वह फटेगा नहीं। जैसे ही ये दोनों चीज़ें तेल में अच्छे से फ्राई हो जाए, पानी के बाउल में एक आप इसको निकाल लीजिए। पानी ठंडा होना चाहिए ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल सारा का सारा निकल जाए। फिर टमाटर के छिलकों को आपको कुछ इस तरीके से हटा देना होगा, और हटाने के बाद हमें इसके अंदर टमाटर ऐड करके प्याज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो ऐड करके हमें जो है इनको ग्राइंड कर लेना होगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, इसके अंदर जो मिर्चियों को हमने फ्राई किया था वो भी इसके अंदर ऐड करके इसमें कुछ काजू भी हमें ऐड कर देने होंगे, और थोड़ा सा पानी डाल के इन सभी चीज़ों पर ढक्कन लगा के अच्छे से हमें ग्राइंड कर लेना होगा। और जैसे ही दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें ग्राइंड हो जाए, वो उसी पैन में या फिर कोई दूसरी कढ़ाई में आप ले लीजिए थोड़ा सा सरसों का तेल, उसमें जीरा अच्छे से मिक्स करके इस पेस्ट को जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए, और इसको अच्छे से भून लीजिए, ताकि इसके अंदर का जितना भी कच्चापन है थोड़ा बहुत रह गया है वो सारा का सारा निकल जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया जो हमारी ये ग्रेवी है, जिसे आप चटनी भी कह सकते हैं, वो बनके तैयार हो रही है। लेकिन दोस्तों इससे भी खास चीज़ आज हम बना के तैयार कर रहे हैं, बहुत ही अलग और यूनिक सी चीज़ आज हम घर पे बना के तैयार कर रहे हैं, जो आपको खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगती है और वो हर किसी की पसंद भी होती है। इसके लिए आप देख सकते हैं 1 चम्मच मिर्ची, आधी चम्मच से थोड़ी ज़्यादा हमने इसमें ऐड कर दिया है, नमक, धनिया पाउडर और हल्दी हमने 1-1 चम्मच ऐड किया है, और हल्दी हमने आधी चम्मच ऐड किया है। अब इन मसालों को जो है वो हमें अच्छे से भून लेना होगा, यानी इसके अंदर अच्छे से पका लेना होगा, ताकि जो मसालों की खुशबू है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए और इसका टेस्ट है वो 4 गुना भी और हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसको अच्छे से पकाने के बाद इसके अंदर हमने ऐड कर दी है 1 चम्मच मलाई, और मलाई ऐड करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा दूध यानी आधा कप के आसपास दूध ऐड कर दिया है। दूध ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना होगा, और हमारी ग्रेवी का जो कलर है वो दोस्तों चेंज हो चुका होगा। आखिर अब आप यही सोच रहे होंगे कि बनके क्या तैयार हो रहा है, हमें तो अभी तक कुछ समझ में ही नहीं आया। तो दोस्तों चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आखिर ये चीज़ क्या बनके तैयार हो रही है। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। तो दोस्तों अब समय आ गया है इसके अंदर वो खास चीज़ ऐड करने का, जिससे यह रेसिपी और भी ज़्यादा शानदार और मज़ेदार हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो शानदार और बढ़िया मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए हमने इसके अंदर पनीर की कुछ क्यूब्स ऐड कर दी है, जिससे कि हर कोई खाना पसंद करता है। जब भी आप शादी ब्याह प्रोग्राम फंक्शन जहाँ पर भी जाते हैं, आप पनीर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करते हैं। उन्हीं में से दोस्तों एक खास ये पनीर की रेसिपी है, जो बहुत ही खास और अलग और यूनिक तरीके से बनके तैयार हुई है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी और डिलीशियस है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये पनीर की खास डिलीशियस यम्मी रेसिपी पसंद आई हो, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। दुनिया के कौन से कोने से आप हमारी ये वीडियो देखते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। अब मैं चलता हूँ दोस्तों, मुझे दीजिए अलविदा, आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।